अंबरनाथ में अंधाधुंध फायरिंग हुई और इस मामले में महाराष्ट्र राज्य बैलगाड़ी संघ के अध्यक्ष पंडरीनाथ फडके की गिरफ्तारी भी हुई, पर सबसे पहले राहुल पाटिल ने फायरिंग की। पंडरीनाथ फडके के वकील ने दावा किया है कि जवाब में पंडरीनाथ फडके के समर्थकों ने फायरिंग की, लेकिन पंडरीनाथ फडके की शिकायत पुलिस ने दर्ज नहीं की है। इसी को लेकर फडके के वकीलों ने आरोप लगाया है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है। घटना के बाद सामने आए वीडियो में फडके के समर्थकों को राहुल पाटिल की कारों पर फायरिंग करते देखा जा सकता है, लेकिन शुरुआत में फडके पर राहुल पाटिल की तरफ से फायरिंग हुई और जवाब में फडके ने फायरिंग किया। पंडरीनाथ फडके के वकील एडवोकेट उमेश केदार ने यह दावा किया है। नमस्कार, मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि शिवाजी नगर पुलिस थाने में 403/2022 जो FIR लॉज हुआ है 307 और अन्य कलमों के तहत, उसमें मेरे क्लाइंट पंडरीनाथ फडके और अन्य आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट की है, और उसमें जब उनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया उसके बाद उनको 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई है। जिस दिन उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया था उसी दिन पंडरीनाथ सेठ फडके, इनका माननीय न्यायालय से अनुरोध था कि जिस वक्त ये घटना हुई है उनकी तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं हुई है, बल्कि सामने वालों की तरफ से फायरिंग हुई है। बावजूद उसके उन्होंने जब तक कंप्लेंट देनी चाहिए पुलिस को तो पुलिस ने उनकी कंप्लेंट नहीं ली, तो हमने माननीय न्यायालय से दरखास्त की कि हमें माननीय न्यायालय परमिशन दे कि हम उनकी कंप्लेंट पे माननीय न्यायालय के परमिशन से उनकी सिग्नेचर ले सके। पंडरीनाथ फडके ने कोर्ट में शिकायत की थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर फडके के वकीलों ने पुलिस को लिखित शिकायत भी दी। हालांकि 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने फडके की शिकायत दर्ज नहीं की है। फडके के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस केवल एक पक्ष का मुकदमा दर्ज कर पक्षपात कर रही है, जबकि दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग के कारण विरोधी मुकदमा दर्ज करना जरूरी है। आपके माध्यम से हमारी यही डिमांड है कि जिस तरीके से सारे CCTV में दिख रहा है कि दो गुट आमने सामने भिड़े थे, और पंडरीनाथ फडके उनका भी यही कहना है कि उस दिन उनके ऊपर फायर हुआ है, उनके गाड़ी को बुलेट से डैमेज हुआ है, उसके बावजूद भी पुलिस ने उनकी कोई कंप्लेंट नहीं ली है, शायद पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है, ऐसा पंडरीनाथ सेठ फडके का बोलना है। उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है, लेकिन आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि पुलिस के ऊपर किस चीज़ का प्रेशर है कि जिसकी वजह से FIR नहीं हो रहा है। अगर पंडरीनाथ सेठ का FIR दर्ज हो जाता है तो हम यही चाहेंगे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी कल्प्रिट हो उनको अरेस्ट हो, और भविष्य में अगर हमारा कोई दोष निकल के आता है तो हम माननीय न्यायालय जो भी हमको सज़ा दे, हमारे जो पक्षकार है, हमारे जो पार्टी है पंडरीनाथ सेठ के या उन फडके या उनके कलीग्स, उनके साथ जो सह आरोपी, उनको जो भी सजा दे वो हमें मंजूर होगी। इसलिए पंडरीनाथ फडके के वकील ने मांग की है कि पंडरीनाथ फडके के पक्ष में भी मामला दर्ज किया जाए। तो क्या अब इस मामले में परस्पर विरोधी मामला दर्ज किया जाएगा, ये देखना भी बेहद अहम होगा। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट।